थे राधे, जब वो चले आएंगे बिहारी राधे राधे, जब वो चले आएंगे बिहारी। होली की धूम पर नाचते हैं, ग्वाल बाल सब गाते हैं, गाते ना लेते लेते कृष्णा हमारे दिल में बसते। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशेश कॉर्नर। तो आज है राधा अष्टमी, तो सबसे पहले आप सब लोगों के लिए राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से सारा घर मुझे ऐसे ही छोड़ के सोना पड़ गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ फैला हुआ पड़ा है। तो मुझे मॉर्निंग में ये सब कुछ निपटाना है, उसके बाद बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उन्हें भी सुबह जल्दी उठा के थोड़ा बहुत लर्निंग वगैरह करवाना होता है। तो यहाँ उठने के बाद मैं यहाँ जो भी सब सामान फैला हुआ है ये सब समेट के सबसे पहले उठाऊंगी अपनी बेटी को, उसे थोड़ा सा पढ़ाना है, लंच बनाना है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना है, फेस्टिवल हो या आपका कैसा भी काम हो, बट बच्चों के काम नहीं रुकने चाहिए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ फेस्टिवल पे, जो मेरा वैसे तो मैं ज़्यादातर अपनी जो भी साफ़ सफाई होती है या काम होते हैं एक दिन पहले ही कंप्लीट करके सोती हूँ, बट तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से जो काम था वो नहीं हो पाया, सब ऐसे ही पड़ा रह गया। और आज हालात बहुत ज़्यादा हमारी तरफ बारिश के हो रहे हैं, आज कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। और आज है राधाअष्टमी, तो जब से मैं उठी हूँ सुबह 4 बजे से, अभी मैं आपको आगे मौसम दिखाती हूँ कि क्या हाल हो रहा है। वैसे 5:30 बजे हल्की हल्की सी रोशनी आनी शुरू हो जाती है, अब थोड़ा सा अंधेरा जो है देर तक रहने लगा है, वरना पहले जल्दी हो जाता था ये रोशनी। अब आप देख सकते हो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, क्योंकि 1-2 दिन से बारिश के मौसम बनता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज राधाअष्टमी वाले दिन बारिश होना तो ऑब्वियसली बात है होनी ही होनी है, राधाअष्टमी जन्माष्टमी वाले दिन हो ही जाती है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आप देख सकते हो कि सुबह 4 बजे से बारिश, मतलब जब से मैं उठी हूँ मैं तब से बारिश देख रही हूँ, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बादल पूरी तरीके से भरे हुए हैं। लेकिन मुझे जाना है स्कूल बच्चों को छोड़ने, तो मैं फटाफट से यहाँ रेडी होके जाऊँगी बच्चों को छोड़ने, क्योंकि वापस आके मुझे बहुत सारा काम भी करना है। वापस आने के बाद थोड़ी देर जब बारिश रुक गई थी तो हम लोग गए थे सबसे ऊपर छत पे, जो छत की हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें छत पे ख़राब हो जाती है। मेरा छत पे ज़्यादा जाना होता नहीं है, तो आप फर्श वगैरह देख पाओगे कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मतलब बारिश रुके तो छत की थोड़ी बहुत सफाई हो पाए, क्योंकि यहाँ बारिश हमारी तरफ बहुत हो रही है। आपकी तरफ बारिश का कैसा क्या हाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारी तरफ तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है। तो यहाँ पे छत पे आ गई थी मैं, छत पे अपना जो भी छोटा मोटा काम था, जो सब कुछ फैला हुआ था वो सब सही करने को काम रह गया था, वो मैंने कहा फटाफट से सही कर देती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे सीधे किचन में और किचन में जाके लग जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो अब हम बनाएंगे फटाफट से खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरबी, और त्यौहार वाले दिन अगर खाना बनना है तो पूरा किचन फैल जाता है, क्योंकि सारा सामान इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि खाना बनाने में लगे रहते हैं और सामान कहीं पे भी रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी अरबी, क्योंकि कहते हैं कि राधा जी को अरबी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उनके भोग में अरबी स्पेशली बनती है। तो अरबी खाने वाला मेरे घर में फ़िलहाल तो कोई नहीं है, मैं हूँ, तो थोड़ी सी ही बस मैं अरबी बनाऊँगी। और इस बार राधाअष्टमी पे प्रॉपर तरीके से खाना मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घर में खाने वाले सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही लोग हैं, तो इतना ज़्यादा खाना बनाना फिर वो वेस्ट हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेन तो अरबी और खीर का ही भोग बोला जाता है राधा जी के लिए, तो यहाँ मैं सबसे पहले बना दूँगी अरबी, और साथ में जो और भी सब्ज़ियाँ हैं वो भी खाना बना के मैं फटाफट से कर लूँगी अब रेडी।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अरबी छीलते हुए मेरे हाथ में हो गई है खुजली, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई, हाथ में बहुत ज़्यादा इचिंग हो गई है। तो यहाँ एक रेमेडी है तेल लगाने की, वो मैंने लगा लिया है। और उसके बाद अब हम बनाएंगे कसार वाली पंजीरी। इसमें चार पांच प्रकार के मेवा वगैरह मिला के आटे में मिला के बनाते हैं। जन्माष्टमी पे भी मैंने इसको बनाया था तो घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। आई थिंक इसमें अगर सूजी वगैरह मिला देंगे तो ये चूरमा बन जाएगा, राजस्थानी जो चूरमा होता है उस टाइप का। तो मैंने ये भी सारा प्रसाद का जो भी भोग वगैरह लगाना था वो भी सब मैंने यहाँ पर अपना सब कुछ फटाफट से बना के रख लिया था। वैसे तो इतना हैवी खाना हर रोज़ नहीं बनता है, फेस्टिवल वगैरह पे ही ये सारी चीज़ें बनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चूरमा मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने जन्माष्टमी पे बनाया था और उसके बाद अब राधाअष्टमी पे भी बना लिया था, क्योंकि घर में अगर सबको चीज़ें पसंद आ जाती हैं और वो खा ली जाएँ स्पेशली तो बनाने का फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि चीज़ बना के रखो और वो वेस्ट जाए। तो ये चीज़ मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के रखूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में ये चीज़ खाई जाती है, पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बेटी को भी अच्छा लगता है। तो ये मैं ज़्यादा सा स्टोर करके रख लूँगी कि आगे भी काम आ जाएगा। बाकी उसके अलावा जो घर में खाने जाने वाली सब्ज़ियाँ हैं, जो घर में पसंद आने वाली हैं एक्स्ट्रा, वो भी बनानी होती है तो वो भी मैं फटाफट से यहाँ पे बना के रख दूँगी। क्योंकि होता क्या है ना, भोग तो पूड़ी वगैरह रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती, और अब तो लगातार फेस्टिवल है, हर कुछ दिन बाद पूड़ी कचौड़ी वगैरह बनती है तो हर चीज़ नहीं खाई जाती। तो यहाँ मैं लगा रही थी बेसन का आटा। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट खाना बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने बनाया है बूंदी का रायता, इसमें तड़का वगैरह मार के तैयार कर दिया है, और कुछ इसमें से भोग का खाना बनाया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में मतलब खाना है तो वो अलग ही मैंने बनाया है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बनाया है बूंदी का रायता और साथ में बनाई है अरबी, क्योंकि मैं जैसे कि बता चुकी हूँ राधा जी को पसंद आती है, अरबी का भोग लगता ही लगता है। तो ये मैंने बनाई है अरबी, साथ में बनाए हैं बैंगन, क्योंकि मेरे घर में कोई भी फेस्टिवल हो तो बैंगन बनते ही बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो कोई भी छोटा बड़ा फेस्टिवल होता है बैंगन ज़रूर बनते हैं। और साथ में मैंने थोड़ी सी ही चोहे की खीर बनाई है, क्योंकि कोई और खाने वाला है नहीं तो फालतू में इतना खाना बना के वेस्ट नहीं करना। बूंदी का रायता बनाया हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ें आई थिंक सफिशिएंट रहती हैं हम दो लोगों में, बच्चा कितना ही खाएगा और ज़्यादा बनाकर वेस्ट हो वो फ़ायदा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो ये सारा खाना मेरा यहाँ पे हो गया था रेडी, और अब मैं जाऊँगी फटाफट से पूजा की तैयारी करने के लिए। तो अब मैं करूँगी राधा रानी का स्नान करवाऊँगी। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में कर दिया था, करके पूजा वगैरह सब कर दी थी, बट जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से राधा रानी का जो करते हैं उस तरीके से मैंने नहीं किया है। तो अब मैं राधा रानी का स्नान करूँगी, पूजा करूँगी और जो खाना बनाया है उसका लगाएंगे अब हम लोग। तो राधा रानी को मैं कपड़े पहनाकर ही स्नान करवाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक चीज़ सुनी थी कि आप लोग अगर भगवान का स्नान कराते हैं या श्रृंगार करते हैं तो उसे आप लोग अपनी वीडियो में इस तरीके से दिखाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे फॉलो नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने आती हैं और लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल सही कही जा रही है। तो उनका कहना ये है कि अगर आप अपने वीडियोज़ में या इन सब चीज़ों में दिखाना भी चाहते हो तो दिखाओ, बट
भगवान किस तरीके से आप सारी पोशाक हटाकर उनको स्नान कराकर दिखाते हो वो नहीं दिखाना चाहिए। तो मुझे उनकी बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और काफ़ी ज़्यादा सही लगा था कि हाँ ये चीज़ गलत नहीं है, वो ये चीज़ सही कह रहे थे। तो मैंने सोचा था कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करूँगी। तो यहाँ मैंने उनके वस्त्र सारे नहीं उतारे थे, उन्हें ऐसे ही स्नान करवाया था। उसके बाद कैमरा ऑफ करने के बाद उन्हें अच्छे से स्नान करवा के उन्हें नई पोशाक पहना दी थी, क्योंकि ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो चीज़ होती है कुछ चीज़ें माननी चाहिए, जो चीज़ सही हो उसे तो डेफिनेटली मानना चाहिए। तो यहाँ मैंने स्नान करा के उन्हें नए कपड़े पहना दिए। मैं सारे कपड़े और ज्वेलरी वगैरह जो सामान था वो मैं जन्माष्टमी की शॉपिंग के साथ ही ले आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट जाना मेरा नहीं हो पाता है, क्योंकि अकेले रहने की वजह से बच्चा साथ में है, फिर स्कूल है, पढ़ाई है, सब चीज़ें हैं, घर को देखना है, तो उसकी वजह से बार बार मार्केट जाना नहीं हो पाता। तो ये सारे कपड़े वगैरह जो थे और भी छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो मैंने जन्माष्टमी की शॉपिंग के साथ ही राधाअष्टमी की भी शॉपिंग सारी कर ली थी। तो यहाँ राधा जी हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी, और ये जो छोटा सा जो आप इनके बाल देख रहे हैं तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, अगर आप इसका लिंक बोलेंगे तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ हमारी राधा रानी बहुत प्यारी सी क्यूट सी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम करेंगे फटाफट से पूजा, और जो भी हमने खाना बनाया है उसका लगाएंगे अब हम यहाँ पे भोग। राधा कृष्ण जी के भोग में तुलसा जी डालनी होती हैं, जो मैंने मॉर्निंग में ही तोड़ के रख ली थी। तो यहाँ मैंने जो कुछ भी खाना बनाया था उन सब में तुलसा जी का बस लगाना रह गया था। तो यहाँ तुलसा जी वगैरह लगाने के बाद मैं अब करूँगी पूजा और उसके बाद करेंगे भोग की तैयारी। तो अब मेरा खाना भी रेडी हो गया है, भोग जो भी मैंने बनाया था आप देख सकते हैं, और साथ में बनाई है पूड़ी। तो राधा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है अरबी, तो मैंने बनाई है अरबी, चोए की खीर, चूरमा, रायता, और साथ में बने हैं बैगन, क्योंकि बैगन तो मेरे यहाँ गैस के घर पे बनते ही बनते हैं। तो अब मैं करूँगी भगवान जी की पूजा और उसके बाद जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। मुरली की धुन पर नाचते हैं, ग्वाल बाल सब गाते हैं, राधे ना लेते लेते तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है, अब हम करेंगे भोजन को ग्रैंड, क्योंकि बहुत तेज़ मुझे भूख लग रही है, मैंने आज फास्ट रखा था, कुछ खाया नहीं था। तो अब मैं करूँगी फटाफट से भोजन, और मतलब खाना खाऊँगी, और बाकी घर वालों के लिए खाना अब अलग बनाऊँगी। तो मैंने अपनी राधाअष्टमी सेलिब्रेट की है, आई होप आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर दीजिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग रील्स देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं तो खैर मेरे घर में इस तरीके राधाअष्टमी सेलिब्रेट नहीं की जाती है, बट छोटी मोटी तरीके से जैसे भी होता है उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मैंने फिलहाल इस तरीके से सेलिब्रेट की है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है, और साथ में जिन्होंने भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।